हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो ये 4-5 दिन पहले का है ये वीडियो, तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि अब कर लूँ और डाल दूँ। तो ये उस दिन हम गए थे सब्ज़ी लाने के लिए शाम को, ये बुधवार या फिर वीरवार का है ये वीडियो। तो हमने बहुत सारी सब्ज़ियाँ लाई थी, उसके बाद फिर मैंने बनाया था उस दिन रात में ये सरसों पालक और इन सब के सरसों की साग और मक्के की रोटी। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने सबसे पहले कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया और सब साग को डाल दिया, फिर लहसुन हरी मिर्च और नमक डाल के अदरक थोड़ा सा डाल के फिर इसको मैंने उबाल लिया था। फिर ये उबल गया है, 2 सीटी लगा दिए थे इसको, बढ़िया से इसको मैश कर देंगे। फिर इसको मैंने मैश कर लिया, उसको फिर मैंने कढ़ाई में निकाल लिया। फिर इसके मैं 2 चम्मच मैंने बड़े 2 चम्मच मक्के का आटा इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें थोड़े से मक्के का आटा डाल दिया था, स्वाद इसमें अच्छा आता है इसीलिए। तो आप चाहे तो भुनने टाइम में भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर आप तड़के की तैयारी करते। तो तड़के में सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल दिया खूब सारा, उसके बाद लहसुन हरी मिर्च अदरक ये सब डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर जब लहसुन फ्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा अदरक लहसुन का, तब इसमें हम प्याज डाल देंगे काट के। तो ये मैंने प्याज डाल दिया है, इसके बाद फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। फिर इसको भी अच्छे से भून लेंगे फिर इसमें। उसके बाद फिर ये मसाले भूनने के बाद फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर टमाटर को अच्छे से भूनेंगे, देखिए इसमें मैंने टमाटर और ये अदरक घस के रख लिया है। तो फिर अब मैंने अदरक, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था, अब मैंने अदरक और टमाटर डाला है। इसको अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये भुनना टमाटर ना भुन जाए तब तक इसमें नमक भी डाल दिया था टमाटर भुनने के लिए। और ये देखिए अच्छे से भुन गया है मसाला। तो ये मैंने शायद वीरवार या फिर शनिवार ऐसे कुछ में बनाया था, मुझे याद भी नहीं है, पर ये था वीडियो तो मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ एडिट करके। तो मैंने बनाया था ना मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, तो थोड़ा सा, तो मैंने तो ठीक ठाक डाला था। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से फिर इसको भून लिया था, ये देखिए घी डाल दिया है, तड़के में भी घी डाला था, अभी भी मैंने बीच में घी डाल दिया। तो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है और बना भी था, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना बनाने की। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है और ये लगभग बन ही गया है, बस दो तीन मिनट और पकाना है इसको, उसके बाद ये बस रेडी हो जाएगा। ये देखिए ना क्रीमी लग रहा है। तो ये बस 2-3 मिनट के बाद ये तैयार हो गया था। तो अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं इधर गर्म पानी कर रही हूँ रोटी की आटा गूंदने के लिए। तो ये आटा में मैंने मक्के की आटा है ये, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको सान लिया था बढ़िया से गर्म पानी से। फिर मम्मी ने बोला, माँ ने बोला कि मैं बना लेती हूँ, लाओ हाथों पर। तो उनको आता है पतली पतली, मेरे से थोड़ी सी मोटी हो जाती है, लेकिन वो पतली पतली देखो कैसे ठोक लिया था हाथ पे ही, हाथों से ही बनाया था उन्होंने, तो कितना पतला पतला बनाया। तो ये देखो बना दिया है, फिर मैं इसको सेक रही हूँ, माँ उधर बना रही है। तो फिर तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखते तो हैं आप लोग पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए मैंने निकाल लिया, दूसरा भी तैयार है, अब दूसरा भी डाल दूंगी। तो ये है हमारी थाली, ये है रोटी, साग, चटनी और मूली। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना, बगल में घंटी का निशान है उसको जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।